7 अक्टूबर को यहूदी राष्ट्र के खिलाफ हमास के बड़े हमले के बाद इजराइल के साथ सीमा पर शुरू हुई झड़प के बाद से लेबनान में कुल 115 लोग मारे गए हैं। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने कहा कि इजराइल ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के 28 कस्बों और गांवों के बाहरी इलाकों में भारी तोपखाने का उपयोग करके अपने हमले तेज कर दिए हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि इजराइल ड्रोन और युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान में 6 घरों को नष्ट कर दिया है और 20 अन्य को क्षतिग्रस्त कर दिया। खियामी के दक्षिणी गांव में मंगलवार को इजराइल द्वारा नष्ट किए गए एक एक घर के मलबे में से 2 नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। इस बीच लेबनान में स्थित ईरान समर्थित हिजबुल्ला आतंकवादी समूह ने घोषणा की है कि उन्होंने लड़ाकों के अल अलिकियाह, अल बायदा और अल मर्ज के गांव के साथ साथ मिस्कावा अम की बस्ती में इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया था, जिसके बाद इजरायली हताहत हुए थे। हिजबुल्ला द्वारा पिछले दिन इजरायल पर हमास के हमलों के समर्थन में 8 अक्टूबर को हिजबुल्ला द्वारा सेफा फार्म्स की ओर से दर्जनों रॉकेट दागे जाने के बाद लेबनान इजरायल सीमा पर 6 सप्ताह से अधिक समय तक तनाव बढ़ गया था। इसने इजरायली सेना को दक्षिणा पूर्वी लेबनान के कई क्षेत्रों में भारी तोपखाने से गोलाबारी करके जवाब देने की प्रेरित किया था।